दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 3 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 3 जून को दोस्तों विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था, जो परिवहन के अनुकूल एक अच्छा साधन है। न सिर्फ प्रकृति के लिए अच्छा है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यह 3 जून को विश्वभर में मनाया जाता है ताकि लोगों को समाज और स्वास्थ्य को साइकिलिंग से होने वाले लाभों के बारे में समझाया जा सके। साइकिल परिवहन का एक किफ़ायती साधन है। मोटापा, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक बीमारी, मधुमेह और गठिया इत्यादि सहित कई बीमारियों से बचाने में साइकिलिंग मदद कर सकती है। यही कारण है कि ये शौक से भी लोग काफ़ी चलाते हैं। अंकुर योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा, अर्थात मानसून के दौरान जो पेड़ लगाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। अंकुर योजना है मध्य प्रदेश की। इसको उदाहरणों में भी आप लिख सकते हैं अगर कोई मेंस का भी प्रश्न लिख रहे हैं। वज्र कवच एक नई तकनीक है। इसमें जो है क्या है, जैसे पीपी किट और मास्क आपको दिख रहे हैं, तो कीटाणु शोधन के द्वारा इनको क्या करेंगे, साफ कर देंगे और पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे। तो वज्र कवच एक सरल कीटाणु शोधन प्रक्रिया है जो कोरोना योद्धाओं को अपने मास्क और पीपीई किट को पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इस प्रौद्योगिकी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। वज्र कवच की अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, N95 मास्क, कोट, दस्ताने और गाउन पर से बीमारी पैदा करने वाले SARS-CoV-2 या COVID-19 वायरस के किसी भी संभावित लक्षण को हटा देती है। निधि प्रयास क्या है जिसके तहत ये प्रक्रिया शुरू की गई है? तो निधि प्रयास नवोन्मेष के विकास, जो इनोवेशंस हैं उनके विकास एवं दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल है, जो युवा और महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तनकर्ताओं व स्टार्टअप्स को बढ़ावा और गति प्रदान करती है। तो जो भी नवोन्मेष आपके मन में आता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में, तो आप सरकार को इसके बारे में बता सकते हैं, उसको शामिल किया जा सकता है। निधि कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत अन्वेषकों एवं उद्यमियों के लिए इनक्यूबेटर्स, सीड फंड एक्सेलरेटर्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अनुदान की स्थापना के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उसी के तहत ये वज्र कवच कीटाणु शोधन प्रक्रिया इसको भी बनाया गया है। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्या है? तो CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, जो CSIR की है, जो कि पुणे में स्थित है, उसने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक शुरू की है। जो जल है उसको कीटाणु रहित करने के लिए एक तकनीक है, ध्यान रखिएगा। पानी से होने वाली बीमारियों का कारण बनने वाले रोगजनक सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए पानी का कीटाणु शोधन बहुत आवश्यक है, लेकिन पानी को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीनीकरण जैसे रासायनिक तरीके, जिसमें क्लोरीन के द्वारा साफ किया जाता है, और पूछा भी जाता है कि जल को कौन साफ करता है, तो क्लोरीन, तो लेकिन ये तरीका हानिकारक और कार्सिनोजेनिक उत्पन्न करते हैं, जिससे नुकसान होता है कई तरह का। तो स्वास्तिक तकनीक जो दवाओं में कमी के परिणाम स्वरूप तरल को उबालती है, यह विधि पानी कीटाणु रहित करने के लिए रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती है। यह तकनीक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की पृष्ठभूमि में विकसित की गई है, ये ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है उसके तहत इसको विकसित किया गया है। यह आयुर्वेद के भारतीय पारंपरिक ज्ञान को पानी कीटाणु रहित करने और प्राकृतिक तेलों और पौधों के अर्क के संभावित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए एकीकृत करती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो एक वैधानिक संस्था है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना विधि के द्वारा की गई है, न कि संविधान में इसका जिक्र है, तो संवैधानिक संस्था नहीं है। जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। डेट भी पूछता है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय अगर देखें तो नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसका जो आदर्श वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आयोग की संरचना हाल ही में संशोधन हुए हैं, उसमें 2 साल पहले संशोधन हुआ है। तो अब क्या है, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, कई सदस्य इसमें होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, इस समिति में कौन कौन रहता है ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। कौन कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री। इतने सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इनकी सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, पहले 5 वर्ष था, अभी क्या हो गया, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो तक होता है। इन्हें इनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में इन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। तो ठीक जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए, उसी तरह इनको भी हटाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। तो कमोवेश वही स्थिति यहाँ भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को चुनने में भी होती है जो केंद्र में होती है। NHRC के कार्य और शक्तियाँ अगर देखें तो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जांच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ध्यान रखेगा, स्टेटमेंट UPSC में पूछा जा चुका है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। NHRC के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। डेली करंट अफेयर्स क्विज में क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, जो विगत वित्त वर्ष रहा है तो कितना, 7.3% की गिरावट आई है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। GDP में आई यह गिरावट COVID-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। वहीं पिछले वर्ष में यह 4% रही थी जबकि चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, TV नरेंद्रन को। तो टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी पेड कोर्स से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9453775039 है। बहुत बहुत धन्यवाद।